पर बैंक कर्मचारी व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन करने उतर गए हैं। पिछले 26 महीनों से लंबित हो रहे वेतन पुनरीक्षण समझौते एवं अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल रखी। शुक्रवार को टावर चौक से नारेबाजी कर रैली निकाली गई, जिसमें वेतन में 20% वृद्धि करने, 5 दिन का सप्ताह करने, विशेष भत्ते को मूल वेतन में विलय करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पेंशन का अपडेशन करने, परिवार में पेंशन सुधार करने सहित अन्य मांगे भी शामिल की गई। यह हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। कर्मचारियों ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो 11 मार्च से 13 मार्च तक फिर से हड़ताल पर रहेंगे। देश के स्वतंत्रता के बाद पहला इतिहास है कि संसद के बजट सत्र पे बैंक कर्मी अपनी हड़ताल कर रहे हैं। कल वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेगी। बैंक जो आर्थिक व्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो बैंक के बंद नहीं। आप सभी लोग जान सकते हैं कि हम लोगों ने मजबूरी वासी हड़ताल की है। हमारी 39 बैठकें IBA के साथ में की गई है, जो कि किसी भी फोरम पर इतनी सबसे बड़ी बैठकें हैं और जो विफल रही हैं। हम चाहते थे कि पूरा हमारा कार्य बैंक अपनी हड़ताल करने के पहले एक टेबल पे बैठ के अपनी मांगे, अपनी चीज़ें आपसी सहयोग से हल हो जाएं, और ये मदहोश सरकार और IBA के मदहोश अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि बैंक वालों का वेज रिविजन हो। आज 27 महीने हो गए हमारे वेज रिविजन होने के लिए। हमारा वेज रिविजन 1 नवंबर 2017 से पेंडिंग है, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अभी दो दिन की हड़ताल है, 31 जनवरी और 1 फरवरी की। अगर इसमें भी कोई निराकरण नहीं हुआ तो 11, 12, 13 मार्च को हमारी फिर 3 दिन की हड़ताल है। वो भी अगर उसमें भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। पूरे सारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी एक साथ हैं, UAPU के साथ में हैं। UAPU जिंदाबाद जिंदाबाद।